आगामी लोकसभा चुनाव के लिए कांग्रेस शुक्रवार को अपने उम्मीदवारों की पहली लिस्ट जारी कर सकती है इससे पहले गुरुवार को कांग्रेस अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे की अध्यक्षता में केंद्रीय चुनाव समिति की बैठक हुई जिसमें पार्टी के आला कमान ने 60 सीटों के लिए उम्मीदवारों के नाम पर मंथन कर लिया है इस बैठक में पार्टी के बड़े नेता समेत साठ उम्मीदवारों के नाम को अंतिम रूप दे दिया गया है बैठक के दौरान दिल्ली छत्तीसगढ़ कर्नाटका तेलंगाना लक्षद्वीप केरल मेघालय त्रिपुरा सिक्किम और मणिपुर की सीटों के प्रत्याशियों को लेकर चर्चा हुई केरल में कांग्रेस विधायक दल के नेता वी डी सतीशन ने बताया कि पार्टी केरल में 16 सीटों पर चुनाव लड़ेंगे जबकि राज्य में चार सीटों पर उसके सहयोगी दल चुनाव लड़ेंगे चुनाव सी डब्ल्यू सी ने इन 16 सीटों पर उम्मीदवारों के नाम तय कर दिए हैं सूत्रों के अनुसार राहुल गांधी केरल के वायनाड सीट से दोबारा चुनाव लड़ना तय माना जा रहा है वहीं रायबरेली से प्रियंका गांधी को पार्टी मैदान में उतार सकती है वहीं उम्मीद लगाई जा रही है कि पार्टी अपने पूर्व मुख्यमंत्री और बड़े नेताओं को मैदान में उतार सकती है जिसमें भूपेश बघेल कमलनाथ अशोक गहलोत दिग्विजय सिंह भूपेंद्र सिंह हुजा हरीश रावत जैसे नाम शामिल हैं। इन नामों के अलावा पार्टी सचिन पायलट गोविंद सिंह डोटसरा कुमारी शैलजा भवर जितेंद्र सिंह रणदीप सुरजेवाला दीपेंदर हुडा दिव्या मंदेराना जीतू पटवारी जैसे नामों को चुनाव अखाड़े में उतार सकती है इनमें से कुछ तो राज्यसभा सांसद हैं और लगभग सभी राजनीति में सक्रिय हैं